कोई तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, कोई है? हेलो, जगह तो मस्त है, एकदम सिक्लूडेड है, पूरा ऑर्चर्ड है ये, उधर भी एप्पल ट्रीज है। ये भी एप्पल ट्री ही है, सारा एप्पल ट्री है ऑलमोस्ट सारा। बात हो गई, जो ओनर थी उन्होंने कॉल उठा लिया और 5 मिनट में किसी को भेज रहे हैं यहाँ पे, और पूरा खाली जगह है तो एक्सपीरियंस अलग सा होगा। ये रहे हमारे पेमा भाई। तो मैं पेमा भाई के साथ नीचे जा रहा हूँ, हम कुछ खाएंगे पिएंगे, और आज वो गिटार भी ले लिया इन्होंने तो थोड़ा जैमिंग भी होगा आज, बहुत मज़ा आने वाला है। चल चल चलो चलो, आप ही आइए, खाना वाना खाएंगे। इज ऑसम, ओके। तो आई थिंक दैट इज अ सिंपल पर्सन, गुड पर्सन, नो प्रॉब्लम। अच्छा भालू, क्या होता है काम में? भालू आ जाइए, बेहतराम भैया आप ही कभी गिफ्ट शेयर कीजिए। कब? आपका नाम क्या? वेदराम। वेदराम, ओके। आप तो हिमाचली हो? हम तो यहीं लोकल। हम ऐसे ही जैम कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे अकेले ट्रैवल करके देखो, बहुत मज़ा आता है यार, सही में बहुत मज़ा आता है। कभी ऐसे ही रैंडम निकल जाओ, नए नए लोग तो मिल ही जाएंगे। पेमा भाई जैसे करो करो, ट्रैवल करो यार, कहाँ क्या कर रहे हो घर पे बैठे बैठे। बहुत मस्त एक्सपीरियंस हो रहा है यार, मनाली से ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। लगता था ये बस एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, बट ओल्ड मनाली आके देखो, सनशाइन कैफे, ओशो किचन, बहुत मस्त है, एक बार आके देखो बस। बहुत सही वाइब है यार ये जगह की, सनशाइन कैफे। जब भी ओल्ड मनाली में आओ ना, यहाँ ज़रूर आना, यहाँ रोज़ लाइव म्यूज़िक होता है। अब मुझे नहीं पता यही भाई गाएंगे कि नहीं, बट बहुत सही सही वाइब है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देव। देव जी, कहाँ से? मैं बेसिकली नेपाल से हूँ मैं। अच्छा, पर अभी चंडीगढ़ रहता हूँ। अच्छा, यहाँ अभी परमानेंट फिक्स। एक बात कहना चाहूँगा, व्हेन आई सॉ हिम सिंगिंग, मुझे इसमें थोड़ा मासूमियत लगा। ही हैज दैट इनोसेंट, मेरी थोड़ी शैली है इसने। इनोसेंट इज लाइक व्हेन यू हैव इनोसेंटनेस यू हैव द प्योरिटी, कोई धूम से सूर से गाता है, मजा आता है, बहुत मजा आता है। मूड में उसको साथ देता हूँ। नहीं नहीं, इन्होंने 2-3 बार आए ही, मैंने देखा इनको, हर बार तीनों बार कंपनी दिया है इन्होंने। इनके यहाँ से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं, इनको देख के फिर मुझे भी अच्छा लगता है। मुझसे बोला ना, हाँ जी, चलो संसार के, मैंने क्यों बोला? आई वाज, अच्छा आप लेके आए थे सजेस्ट के? अच्छा अच्छा, मनाली में मेरा पहला दिन है। जी जी, इसके साथ ही आया। अच्छा जी, आ जाओ यहाँ देखो, इफ यू डोंट फील दिस, मैंने बोला डिनर मेरा तरफ। हाँ जी हाँ जी, आई टोल्ड
डिनर अच्छा ना लगे अच्छा गाना के लिए आ जाओ बस। तो आप ही बताइए कैसा लगा भाई, तो बहुत फीडबैक सही में बहुत इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई इम्प्रूवमेंट करूँ करना चाहूँ तो आप बता दो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे भी हेल्प मिलेगी अपने आप को थोड़ा सा। ऐसा नहीं लगा यार, ऐसा लगा ही नहीं। आप ऐसे लाइव शो बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं जी, सही में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोशिश कोशिश बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ओके बाय 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 टेक केयर, थैंक्स थैंक्स फॉर द लवली एक्सपीरियंस। बाहर के बहुत अच्छा बताया है। आज तो पूरा म्यूजिक नाइट हो गया यार। मेरे जैसे एक गेस्ट आए थे तौसिफ भाई, जो पेमा के साथ रुके थे, और वो अभी वीडियो कॉल पे हमारे साथ गाना गा रहे हैं। यो पेमा भाई, पहले अभी भी लाइक मैंने बोला ना, ये 9 to 5 कर रहे हैं, बट इनका शुरू में लोकेशन था गुड़गांव, और गुड़गांव में ये एक छोटे से फ्लैट में रहते थे जिसमें बस एक किचन और टॉयलेट था। बाकी स्टोरी पेमा भाई बताएंगे कि उनको वो लाइफ क्यों पसंद नहीं आई, और उन्होंने ये हिल्स का लाइफ, माउंटेंस का लाइफ क्यों चूज़ किया। तो ऑलमोस्ट 2 साल से पेमा भाई यहीं पे हैं हिमाचल में, या फिर कोई और हिल्स पे, माउंटेंस पे, और उनका लाइफ कैसा देखते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट बीन 2 ईयर्स। ओके, तो मैं बताता हूँ, लाइक व्हेन कोविड हिट अस, इट वाज 2020 मार्च, एंड दैट वाज अ मार्च 22nd। आई स्टिल रिमेंबर दिस। या बट आई हैड अ गुड फेथ कि उसके फेब्रुअरी पे मेरा दोस्त की शादी था पालमपुर में। अच्छा, सो ही इनवाइटेड मी, तो आई केम पालमपुर, और उसने बताया कि मनाली घूम के आओ। सो आई वाज हियर फॉर मार्च, घूम गया। जैसे मैं आई वेंट बैक, तो कोविड शुरू हो गया, देन वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम मार्च अप्रैल, राइट? ओके, तो हम चलते रहे अपने, मतलब वहाँ पर ऐसा रेस्ट्रिक्शन था कि बाहर भी ना निकलो, ये भी ना करो। सो सी, हम ऐसे 4 दीवारी पे था कि मतलब यू डोंट हैव एनी पीपल टॉक अराउंड, इट वॉज ऑल वर्चुअल, एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिंपैथी। सब आदमी भूल गए थे कि मतलब व्हाट वी आर, हम कहाँ पर रह रहे। यू आर जस्ट सर्वाइविंग एंड वी हैव नो अदर थिंग्स टू डू, ट्रस्ट मी। अगर बाहर भी जाऊँ तो आदमी है बीमार पर लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, नहीं जाना था। सो ऑनलाइन ऑर्डर करना, एंड देन ओनली द थिंग ह्यूमन, तो क्या ह्यूमन के तो बात छोड़ो, चिट्टी, कुत्ते, मक्खी, ये कुछ भी हो सराउंडिंग के जो मतलब रहते थे मेरे, छोटा सा कीड़ा भी हो, इवन या आई यूज टू वॉच इन। अच्छा, तो ये होता था कि मतलब एक अटैचमेंट, आई डोंट नो, पीपल विल से मैड, नो, यू गो थ्रू दैट फेस यू विल नो। आपका एक फ्रेंड रिकमेंड किया था मनाली आने, तो फिर उसके बाद नो माई सेल्फ। मैंने सोचा कि मतलब इफ आई एम स्टेइंग आउट देयर, व्हाई कैन नॉट आई गो ऑन आउट साइड, बिकॉज इट्स वर्क फ्रॉम होम। या तो देन आई डिसाइडेड टू गो आउट साइड, तो मैंने मनाली चूज किया एंड आई केम हियर, और देन आई एक्सप्लोर एंड आई हैड अ वेरी गुड आउट हियर कि मुझे अभी लगा। यू नो एक चीज़ है, जब हम पहले रूम पे सोते थे ना, तो वी यूज टू प्ले अ म्यूजिक, वो म्यूजिक होता था नदी के, नेचर का साउंड, नेचर का साउंड हम रख के सुनते थे। अभी यहाँ जरूरत नहीं है, वो नेचुरल मिल जाता है। रात को यू गो ऑन स्लीप एंड 10, तुम्हें वो नदी का आवाज सुनेगा ना, ट्रस्ट मी, सबसे अच्छा नदी का आवाज, टेंट के ऊपर बारिश का पानी का आवाज, अरे यार। और सुबह जब उठोगे और तुम्हारे जो चिड़िया है ना वहाँ पर, यहाँ पर इट्स अराउंड 6-5 स्पीसीज ऑफ चिड़िया आते हैं। अच्छा, और देख लेना, फिर तुम्हें देखेगा, मतलब यू विल फील गुड। सो देयर इज नो नथिंग, कंपैरिजन ही नहीं है। आज का दिन बहुत ही मस्त था, आज पेमा भाई के साथ बहुत जैमिंग किया। मैंने सोचा नहीं था मुझे एक म्यूजिकल कंपेनियन मिल जाएगा। मुझे खुद गाने और गिटार बजाने का शौक़ है, और मेरा एक सिंगिंग का भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे, बट उसमें उतना एक्टिव नहीं हूँ मैं। तो सही जगह है यार, और ये टेंट देखिए जहाँ पे मैं आज रुकने वाला हूँ।
ये 2% टेंट है और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा 480 रुपीज़। सो दो लोग के लिए 480 है और यहाँ वाईफाई भी है इस प्रॉपर्टी पे, तो आप कभी आओ तो लंबे टाइम के लिए भी रुक सकते हो, आप यहाँ से अपना काम भी कर सकते हो। मैं नीचे इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे ये पेड प्रमोशन नहीं है। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन तो सबसे ज़रूरी है ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।